आई वुड से कि कॉलेज को समझने के लिए वहां पे रह रहे लोगों द्वारा उनका एक्सपीरियंस जाना जरूरी है। तो इस वीडियो में तुम्हारे लिए वही लेकर आया हूँ, नारसिमुनजी केपीएम एसओएल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके द्वारा दिया हुआ एकदम ऑनेस्ट रिव्यू, और तुम्हें वहां जाना है या नहीं जाना चाहिए उस चीज का आंसर तुम्हारे लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का लंच पार्ट पे। बात करनी है आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज के बारे में। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे कीर्ति मेहता स्कूल ऑफ लॉ। जी हाँ, केपीएम एसओएल के नाम से जानते हैं। बिल्डिंग बहुत सुंदर लग रही है, इसके बारे में हर वो डिटेल समझेंगे जो आपको एज अ लॉ स्टूडेंट जाननी जरूरी है। फिर हम लोग एडमिशन कैसे होगा, फीस कितनी है, हॉस्टल कैसे मिलते हैं, फैकल्टी कैसी है, हर वो चीज जो तुम्हें जानना चाहिए, और फिर एंड में मेरा पर्सनल रिव्यू क्या है कि तुम्हें इस कॉलेज में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उस बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर उस बच्चे के लिए जरूरी होने वाला है जो क्लैट के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि दोस्त एक्चुअली में एक एग्जाम ही है, प्रोबेबिलिटी का रूल आप डिनाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हमेशा ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे की, बात करेंगे कॉलेज की कुछ बेसिक चीजों की। तो कॉलेज भाई हमारा 2013 में स्टेब्लिश हो रहा है, इसकी बात करें कैंपस एरिया की ना यार, तो यहाँ पे ये हमको थोड़ा धोखा दे जाता है, समझ रहे हो। जो सुंदर सी बिल्डिंग मैंने तुम्हारे पिछली बार स्लाइड दिखाई थी ना, और जो तुम इंट्रो भी देख के आ रहे हो, उसमें जो चीजें तुम देख रहे हो एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि वहां पे बहुत सारी चीजें चलती हैं। उतने पूरे एरिया में स्कूल ऑफ लॉ भी है, स्कूल ऑफ आर्ट्स भी है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी है, तो अपने को केवल स्कूल ऑफ लॉ से मतलब है, यानी कि कीर्ति मेहता स्कूल ऑफ लॉ। तो इसका एरिया जो तुम्हारा कैंपस एरिया जिसे तुम कह सकते हो ना, जो तुम्हारा है, वो पता कितना है दोस्त? वो मात्र इस बिल्डिंग का, एक विशाल काय बिल्डिंग का 9th फ्लोर है, जहां पे तुम्हारी और तुम्हारे सीनियर्स की सबकी क्लासेस हो रही होंगी एक साथ में, और तुम उन क्लासेस में जाकर अपने लॉ लेक्चर्स अटेंड करके वापस आ रहे होगे। तो मोर और लाइक स्कूल होगा, समझ पा रहे हो, फील आ रही है कि तुम्हारा एक क्लासरूम है, जैसे हम लोग बोर्ड में नहीं, ज्यादातर को करिकुलर एक्टिविटीज से दूर होकर, लेकिन एक सिंपल क्लासरूम में बैठकर अपनी तैयारी कर रहे थे, बोर्ड की पढ़ रहे थे, स्कूल जाना पड़ता था, ये सब चीजें जो थी वो सब आपको NMIMS में KPM SOL में फिर से मिल जाएंगी। ठीक है, सो लोकेशन की बात करें, लोकेशन यार बड़ी शानदार जगह पर है। मुंबई अपने आप में कमर्शियल कैपिटल है दोस्त, यहाँ पे एक से एक फर्म है, और वो और सारी वो चीजें जो एक लॉ स्टूडेंट के तौर पे तुम्हें चाहिए, बॉम्बे हाई कोर्ट है, हर वो चीज। और अगर हैंगआउट की बात करें, अगर एंजॉय करने की बात करें, तो दोस्त जुहू बीच से 1 किलोमीटर की दूरी पर तुम इसे पा रहे होगे, यानी कि एंजॉयमेंट की ऐसी कोई भी चीज छूट नहीं रही होगी जो कि तुम्हें यहाँ पे ना मिले। ठीक है, बात करेंगे लेकिन हर उस पर्सपेक्टिव की जो कि हमें जरूरी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए, केवल एंजॉयमेंट पे स्टक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो एरिया में हम कहेंगे कि ये कॉलेज हमें मात दे रहा है, हमें हरा रहा है कह सकते हो, हमारे एक स्टूडेंट के तौर पे, एक कॉलेज के तौर पे जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे मतलब एस्पिरेशंस होते हैं कि हमें एक ऐसे कॉलेज जाना है जहाँ पे हम कैंपस लाइफ एंजॉय कर सके, दोस्त यहाँ कोई कैंपस लाइफ नहीं है। ठीक है, यू विल सफर, उस चीज में तुम सफर करोगे। ठीक है, आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, तो शायद इनिशियली तुमको डिमोटिवेट करें, तुम्हें लगे कि भक्त मेरे को जाने ही नहीं है इस कॉलेज में, लेकिन वीडियो के एंड में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस कॉलेज को औरों से अलग बनाती हैं और तुम्हें यहाँ पे जाने के लिए फोर्स कर सकती हैं दोस्त। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखो। बात करेंगे और इन्फॉर्मेशन की, तो कट ऑफ यार कितनी होनी चाहिए, कट ऑफ होनी चाहिए पता है कितनी? लगभग 4,000 से 5,000, 4,500 रैंक जो है तुम्हारी, अगर क्लैट में आई हो रही होती है तो तुम्हारा नॉर्मली एडमिशन हो जाता है। बाकी लोगों का कहना है कि अब जो है ये चीज़ बढ़ जाएगी, बिकॉज सीट बढ़ा दी गई है। ठीक है,
अब तुम नियर बाई कॉलेज देखो, मैकडी वगैरह, स्टारबक्स वगैरह, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, खाने पीने कोई व्यवस्था, कोई व्यवस्था में दिक्कत नहीं। कॉलेज से निकलो तुरंत गेट से बाहर और तुम्हें आसपास सब मिल जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट फूड, स्ट्रीट फूड जो है भी तुम्हें अपने कॉलेज के आसपास ही मिल रहा होगा, ठीक है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी यार देखो, पता है ऐसा मुझे बताया गया कि तुम्हारी पूरे इंस्टीट्यूट की, यानी कि बहुत सारे जो स्कूल मैंने तुम्हें बताया, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ आर्ट, ये सब चीजों की मैनेजमेंट स्टडीज, एमबीए के लिए बहुत अच्छा है एनएमआईएमएस, ठीक है, बताया जाता है एनएमआईएमएस के एमबीए के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो सारी किताबों के लिए कुछ लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। अब तुम्हारी जो लाइब्रेरी है ना, वो एक छोटी लाइब्रेरी 8th फ्लोर पे मिल जाएगी तुम्हें और एक बड़ी लाइब्रेरी 2nd फ्लोर पे मिल जाएगी। इस पे एक्सेस होती है, ये बिल्डिंग एक कॉमन सी है, इसमें आप जा सकते हैं और ये लाइब्रेरी 7 बजे बंद हो जाती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है कैंपस लाइफ में। वही नेशनल यूनिवर्सिटीज में, लाइक मेरे कॉलेज में ही CNLU की बात करूं तो 12 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती है और स्टूडेंट्स वहां पे 12 बजे अपनी पढ़ाई करके हॉस्टल जा सकते हैं। तो ये चीज बड़ा डिमेरिट लगा मुझे, बाकी ऑनेस्ट चीज तो मैं बताना जरूरी था, तो अपने हिसाब से देखते रहना दोस्त, ठीक है। कैंटीन जो है बहुत बढ़िया खाना मिलता है यहाँ पे, स्मॉल कैंटीन 8th फ्लोर पे है। बाकी जो है खाने की बात करो तो बहुत शानदार देती है, ठीक है, हर वो चीज जो तुम चाहो तुमको मिल सकती है, तुमको अच्छा फील आ जाएगा, मतलब होटल वोटल वाला फील आ जाएगा इनकी कैंटीन। देखो यार एक बात मैं बताऊंगा, आगे जब फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा ना तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा इन चीजों में इतना ज्यादा ये लग्जरी कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, बात करेंगे कि KPMSO है तो इसका फुल फॉर्म भी यार, ठीक है, कीर्ति पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ, इसके आप देखते चलेंगे, ठीक है। तो सर एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन दोस्त होगा तुम्हारा अपना क्लैट के स्कोर पे और अपना LSAT के स्कोर पे और अपना INMIMS अपना खुद का एग्जाम कराता है, LAT लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इन सब की डिटेल्स तुम्हें जाननी है तो कहाँ मिल जाएंगी? तुम्हें इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। और तो और वेबसाइट के अलावा तुम्हें सारी वो डिटेल्ड PDF एडमिशन फॉर्म, हर वो चीज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही इंस्टा की लिंक भी डाल दूंगा, किसी को कोई पर्सनल डाउट हो रिगार्डिंग एडमिशन, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए अपनी चीजों के बारे में, तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसीलिए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ इंस्टा पर जाके फॉलो मार दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोर्सेज यहाँ पे कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो तुम लोग अभी मोस्टली जो है BA LLB और BBA LLB के दोस्त जो है मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, लेकिन ये केवल वीडियो केवल उनके लिए ही नहीं, और बताता हूँ किसके लिए यूजफुल है। LLM का कोर्स भी यहाँ पे बहुत शानदार कराया जाता है, उसकी डिटेल्स भी तुम्हें सारी यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएंगी। और तो और डॉक्टरेट का कोर्स, जी हाँ डॉक्टरेट के कोर्स में भी PhD आपको करवाई जाती है यहाँ पे लॉ में, समझ रहे हो। अब सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे हर एक एग्जाम का अलग अलग है, तुमने नोटिस किया? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल दिया, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो LLM का सिलेक्शन प्रोसेस ये है, और तुम्हारा इसमें मैंने तो बताया ही था, ठीक है, NMIMS एप्टीट्यूड टेस्ट, क्लैट एनालिसिस, इसको ये सब चीजें आपकी मैंडेटरी होती हैं, आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी को ये PPT चाहिए हो तो मुझे इंस्टा पे DM कर देना दोस्त, मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है। बात करते हैं आगे की चीजों की, क्या करना है हमें, आगे देखते हैं फीस स्ट्रक्चर, बवाल होने वाला है दोस्त, सच बता रहा हूं। थोड़ा सा अचकचाओगे कॉलेज में एडमिशन इस चीज को सुनोगे तो, बट थमना, चीज शायद तुम्हें लगे कि किसी कारण से है, ठीक है। चलो मुंबई कैंपस की बात करें तो केवल 2 लाख पता क्या है, केवल ट्यूशन फी है, मतलब कि कॉलेज को आप दे रहे हो, इसमें रहना इंक्लूडेड नहीं है आपका, खाना वाना कुछ नहीं। क्या कह रहे हो सर, कैसे? तो देखो ऐसे दोस्त, डेवलपमेंट फी 30,000 ले लेंगे, अदर फी ले लेंगे, ट्यूशन फी इतनी ले लेंगे, है ना, ये सब ले लेंगे, लाइब्रेरी डिपोजिट ये ले लेंगे, है ना। अब मैं कहूँ कि तुम्हारा सर चकरा रहा है तो बिल्कुल सही चकरा रहा है दोस्त, क्योंकि इसमें हॉस्टल और मेस इंक्लूडेड नहीं है, तो हॉस्टल और मेस सर कितने में पड़ जाएगा हमें, यानी कि हमारा साल खर्चा कितना आ रहा होगा, तो वो देखने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करेंगे किसकी, हॉस्टल फीस की। दोस्त घबराओ, थोड़ा थमो और इन आंकड़ों को देखो, 2980 3480, जी हाँ ये हॉस्टल्स हैं। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाता हूँ, कुछ रियलिटीज समझाता हूँ रिगार्डिंग बॉम्बे। देखो यार बॉम्बे में एक चीज की कमी है, वो है जमीन, वो है जगह। जो कॉलेज बना है वो सिटी के हार्ट ऑफ सिटी में बना है बहुत ही, इसीलिए कॉलेज के पास भी एरिया किल्लत है, इसीलिए तुम्हारे पास कॉलेज के अंदर प्ले ग्राउंड नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास कॉलेज के अंदर खुले गार्डन नहीं है घूमने के लिए। ये सब चीजें तुम्हें एक कॉलेज एटमोसफेयर से, कैंपस लाइफ से दूर करती हैं दोस्त। और तुम्हें बताता हूँ, जो कंटिन्यूस भागदौड़ की जिंदगी है बॉम्बे की, उसका असर इस पर भी पड़ता है। हॉस्टल्स बनाने की जगह नहीं है कॉलेज के पास, इसीलिए
प्री इस्टेब्लिश्ड जो हॉस्टल्स हैं, समझ रहे हो, प्री इस्टेब्लिश्ड हॉस्टल्स जो वहाँ एरिया के विसिनिटी में होते हैं, उनसे कॉलेज तुम्हारा टाई अप कर लेता है। टाई अप करने के बाद तुम्हारा कॉलेज तुम्हें रिकमेंड करता है उनके पास जाने के लिए, और उनकी ही फीस ये दी गई है। समझ पा रहे हो, कुछ में तो शायद इनकी फीस में ऐड कर लोगे क्योंकि खाना इंक्लूडेड नहीं मिलेगा, और कुछ में खाना इंक्लूडेड मिलेगा, तो वो तुम चेकआउट कर सकते हो। बट तुम अब तुम अपना बजट देख रहे होगे, क्या इसको और उसको जोड़ के कहाँ पहुंच रहा है दोस्त, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर इसमें हटा दो, डेली का ट्रैवल बॉम्बे का बहुत महंगा होता है, उसके अलावा तुम देखो तुम कहीं बाहर इंटर्नशिप करने जाते हो, तो थोड़ा आंकड़ों का हिसाब लग पा रहा है। तो कुछ ऐसी स्थिति अगर हो रही है तो तुम्हारी गलत नहीं हो रही, बिकॉज ये बात थोड़ी सी शॉकिंग है कि इतना ज़्यादा रहने का खर्चा जितना मेरा एजुकेशन खर्चा नहीं है। इस बारे में तुम सोच सकते हो कि क्या जाना ठीक है या नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स तुम्हें उस 9th फ्लोर में और उस बिल्डिंग के अंदर जो तुम्हारा सो कॉल्ड कैंपस होगा, उसमें क्या क्या चीजें मिल जा रही होंगे देखते चलो। क्लासरूम्स की क्वालिटी शानदार होगी दोस्त, क्लासरूम्स बहुत अच्छे हैं, मतलब एकदम हाइजीन वगैरह सब चीज़ों का ध्यान रखा ही जाता है, LCD ऑडियो वीडियो फैसिलिटीज सब चीज़ें नहीं होती हैं दोस्त, कई कॉलेजेस में नहीं होती हैं, तो वो चीज़ों का ध्यान रखो। वाईफाई फैसिलिटी मिल जाएगी तुम्हें, कंडीशन मूड कोर्ट हॉल मिल जाएगा, ये सब चीज़ें, एयर कंडीशन मूड कोर्ट हॉल मिल जाएगा, ठीक है, मेडिकल डॉक्टर वगैरह मिल जाएंगे, सब चीज़ें, मतलब ऐसा होता है यार, देखो बताना जरूरी है लेकिन ये बेसिक्स हैं, ये होने ही चाहिए। अगर आप खुद को एक अच्छा कॉलेज या लॉ स्कूल प्रूव कर रहे हो तो ये होने ही चाहिए। ये क्या है सर, हीन ऑनलाइन मनुपातक, देखो यार रिसर्च वर्क के लिए तुम्हें इनकी एक्सेस की जरूरत पड़ती है, तो मोस्टली लॉ स्कूल इसकी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, सेम इज विद KPM एज वेल, वो भी आपको इनकी एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, बता रहा है कि आप सर रिसर्च कर सकते हैं इन जगहों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, फैकल्टी कैसी है सर। तो फैकल्टी एक कॉलेज की जान होती है दोस्त, अगर तुम्हारे टीचर्स अच्छे हैं तो तुम सारी चीजों को एक तरफ रख के कह सकते हो कि मेरी पढ़ाई तो अच्छी हो रही है ना यार यहाँ पे। तो ये बात है, मुझे लिटरली लोगों ने बताया कि कॉलेज में टीचर्स मेहनती हैं, टीचर्स नॉलेजेबल हैं, ऑक्सफोर्ड जैसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के टीचर्स KPM SOL में पढ़ा रहे हैं, और तो और वो बच्चों को पर्सनल अटेंशन भी देते हैं, ध्यान रखते हैं उनका, है ना। देखिए प्राइवेट लॉ कॉलेज में यह चीज होती है क्योंकि लोगों को उतना फ्री, मतलब उतना ज्यादा छूट नहीं मिली होती है, तो वो अपने हिसाब से काम नहीं करते हैं, वो ध्यान देते हैं बच्चों का, ठीक है। इसलिए मैं कहूंगा कि मिक्स फैकल्टी है, क्यों, क्योंकि कुछ लोगों को चाहे वो कुछ कर लें पसंद कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वो चीज पर्सनल ओपिनियन बेस्ड हो सकती है। तो अगर तुम, मैं कहूंगा कि बहुत ही शानदार फैकल्टी है भाई, धाकड़ मजा आ गया, तो मेरे से लड़ने मत आना कमेंट सेक्शन में, बट बात इतनी सी है कि फैकल्टी अच्छी है ओवरऑल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अकेडमिक्स में, किस तरह से तुम्हारा जो है सेमेस्टर बटा होगा। 100 नंबर का पेपर होगा पर सेमेस्टर, 10 सेमेस्टर होंगे, उसमें 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल, इंटरनल के अंदर ये सब चीजें आ जाएंगी, और अटेंडेंस दोस्त मैं समझ नहीं पा रहा हूं अच्छे लॉ स्कूल्स को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है यार, इनको रियलाइज करना चाहिए कि हम यहाँ एक खुद से अच्छी डिग्री लेने आए हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, इतना मेहनत की थी हमने एग्जाम के लिए, तो हमें अटेंडेंस जैसी चीज के लिए फोर्स क्यों करना, हम पढ़ना चाहेंगे तो आप हमें रोकेंगे तब भी हम पढ़ लेंगे, और आप नहीं पढ़ना चाहेंगे तो हम क्लास में बैठ के भी सोएंगे, जो कि मोस्टली तुम लोग करते ही हो गए है ना। तो इसलिए ये चीज कॉलेजेस को सोचना चाहिए यार। और तो तुम्हें बताऊं कितनी अतः यहाँ पे हद हो रखी है कि 80% से कम अटेंडेंस में आपको एक बार को मेडिकल के नाम पे एक्सेप्शन मिल जाए शायद 10% का, और अगर वो आप पे नहीं है और 10% से भी नीचे का अगर पहुंच जाते हैं तो आप डीवार्ड, आपको पेपर नहीं देने जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें गलत है ना, गलत लग रही है दोस्त, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये चीजें तुम्हारा फ्यूचर हो सकती हैं अगर तुम उस कॉलेज में जा रहे हो, है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करेंगे, अच्छा है ये इवेंट्स होते हैं, लेकिन बुरा क्या है पता है, ये इवेंट्स कॉलेज में अपने एरिया में कैंपस में नहीं हो पाते हैं, जगह ही नहीं है दोस्त, ये बाहर हायर करी जाती हैं जगहें 1 से 2 दिन के लिए, तब जाके वहां पे ये कंडक्ट करा पाते हैं अपने इवेंट्स। समझने की कोशिश करो दोस्त, मिराकी नाम का कल्चरल फेस्टिवल एक तरह का यहाँ का त्योहार होता है, लोग महीनों प्रिपेयर करते हैं इसके लिए, और बहुत अच्छा एक तरह से 3-4 दिन का इनका, मतलब कहते हैं ना कि NMIM की लाइफ जीनी है, KPM SOL की लाइफ जीनी है, तो मिराकी में चले जाओ,
इस तरह का सीन हो रखा है, ठीक है। सो इसी तरह से हम अगर बात करें अपने पराक्रम की तो, और ये ओलंपिक, ये स्पोर्ट्स फेस्ट है, एक में होता है कि अलग अलग कॉलेज से कॉम्पिटिशन होता है, एक में NMIMS के अंतर्गत ही कॉम्पिटिशन होता है, तो इस तरह से लोगों को वो चीज खेलने मिलने के लिए मिल जाता है। लेकिन समझने की कोशिश करो ना, ये एक दिन का इवेंट, उस दिन तो आपने हायर कर ली जगह, और उस दिन भी होता क्या पता है, टर्फ पे खिलाते हैं दोस्त क्रिकेट, टर्फ पे, ग्राउंड है ही नहीं यार बॉम्बे में, जगह ही नहीं है, तो कॉलेज की गलती नहीं है, लेकिन कॉलेज अपने आप से जो कर सकता है वो कर ही रहा है। लेकिन ये सब चीजें हैं, रियलिटीज हैं, जानो समझो और तब अपना डिसीजन लो, है ना। मेरा तो काम यही है कि जो रियलिटीज है उनको तुम तक पहुंचाना। तो अगर अभी तक ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है दोस्त, तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि सारे कॉलेज तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट पे हो सकते हैं, वो सभी कॉलेज का रिव्यू मैं इतने ही डिटेल में तुम्हारे पास लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज की। जी हाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या होता है, हर एक लॉ स्कूल में कुछ ऐसी सोसाइटीज बनी होती हैं जो बच्चों द्वारा रन करी जाती हैं, ठीक है। इनकी फंक्शनिंग कितनी ज्यादा एक्टिव है वो डिसाइड करता है आपका इन इन पर्टिकुलर फील्ड में डेवलपमेंट कितना हो पाएगा। तो एज पर द पीपल ऑफ NMIMS आई गॉट टू नो कि देखिए ये सारी ही कमिटीज, अनहद डिस्कशन फोरम के बारे में पीपल वर नॉट लाइक इतना ज्यादा उनको चर्चा में नहीं लाया गया, लेकिन ये सारी चीजें MUN कमिटी, पब्लिकेशन कमिटी, ADR कमिटी, इन सब के लिए स्पेशलाइज टीचर्स और इस सब के लिए स्पेशलाइज लोगों को सिखाया जाता है, बच्चों को, लोगों को स्पीड में डेवलप किया जाता है। कारण यही है कि NMIMS ऑल्दो अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, लेकिन ये इंटरनेशनल मूट कोर्ट में भी आपको इनका, इसके बच्चों का नाम दिख जाएगा, अच्छा कर रहे हैं बच्चे। वो सब चीज़ें अगर तुम कॉलेज कैंपस लाइफ देख लो, मैं बता रहा था ना तुमको कि शुरुआत में वीडियो के बायस मत बनो, जज मत बनो कि गलत है, खराब है, ज़्यादा है, कॉलेज की गलती नहीं है दोस्त, कॉलेज अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, फैकल्टी अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है, वहाँ के लोग तुम्हें सिखाने के लिए अपना बेस्ट कर रहे हैं, तुम कितना सीखना चाहते हो और कितना आगे बढ़ना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर है ना। ये सारी चीज़ें अच्छे से फंक्शन कर रही हैं, इनके पार्ट बनो जाके NMIMS में और फिर देखोगे अपनी पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंज आता होगा, ठीक है। चलो स्पेशल क्या है सर, क्यों जाऊं, तो मैं कहूंगा यार मुंबई में है, काफी नहीं है क्या ये चीज। अरे नहीं सर, मतलब ठीक है, नाइट लाइफ है, सब कुछ है, मस्ती वस्ती है, एज ए स्टूडेंट बताओ ना पापा मम्मी को क्या बताऊंगा, क्यों कराओ एडमिशन। यार एक चीज बहुत अच्छी है, पता है क्या, फिफ्थ ईयर में ना बच्चों को यहां पे एक ऐसी सुविधा प्रदान करी जाती है जिसकी वजह से उनके प्लेसमेंट लगने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। क्या, फिफ्थ ईयर में केवल केवल 2 घंटे की इनकी क्लास होती है और उसके बाद इन्हें अपने इंटर्नशिप पे जाने के लिए समय दिया जाता है। तो मतलब ग्रेजुएट होने से पहले पहले ये पूरे साल इंटर्नशिप करते हैं, जो 4 साल इंटर्नशिप हुई उसका तो रोल है ही, लेकिन ये लास्ट ईयर में जो इंटर्नशिप होती है एक तरह से इनको बूस्ट दे देती है। अब ये कर क्यों पाते हैं और बच्चे एनएनयू से क्यों नहीं कर पाते हैं वो समझने की कोशिश करो। तुमने देखा होगा डिटेल्स में कि मोस्टली एनएनयू क्या है ना, सिटी के बाहर सिचुएटेड होते हैं और बॉम्बे सिटी में नहीं होते हैं। बॉम्बे जैसी सिटी में एक से एक फर्म्स यार वहीं हैं, लोग पूरे कंट्री से बॉम्बे पहुंचते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, तुम्हारा तो वहीं है, तुम तो वहीं के हो, तो तुम हर रोज 2 घंटे क्लास करके अपनी इंटर्नशिप पे जा सकते हो, कंपनीज के साथ अच्छे से काम करके अपना PPO सिक्योर कर सकते हो। और ये बात सच है कि KPMSOL का प्लेसमेंट कई NLU से अच्छा है, समझ पा रहे हो क्यों है, क्योंकि ये जो लास्ट बात बता रहा हूं तुम्हें मैं ना, ये जो इंटर्नशिप वाला फैक्टर है इस वजह से है। तो हाँ, यहां पे लोकेशन जो बॉम्बे की है वो तुम्हें फायदा कर जा रही है, ठीक है। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान रखें तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम अगर पैसे से समृद्ध हैं दोस्त, हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हमें NMIMS में जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक बार होती है लाइफ में, अच्छी मिल जाए तो लाइफ हमारी अगले 60 सालों के लिए वर्थ इट हो जाती है दोस्त। तो प्लीज टेक योर डिसीजन वाइजली, बिकॉज दूसरी ही ओर अगर तुम फाइनेंशियली वीक हो और तुम्हारा पैकेज, मतलब 5 साल बाद क्या होगा पता तो नहीं है, और तुम्हारा पैकेज अच्छा नहीं लगा
तो दोस्त 6 लाख, 5-6 लाख 5 साल के लिए एस्टेब्लिश मतलब वेस्ट करके, यानी कि 25 से 30 लाख रुपए का लोन लेके वहां पढ़ना और खुद को और पेरेंट्स को ऑलमोस्ट बिकवा देना और फिर परेशान रहना, वो वर्थ इट नहीं है। देर आर मैनी अदर गुड ऑप्शन अवेलेबल, आई विल टेल यू ऑन दिस चैनल ओनली। तो अगर अभी तक इस ऑनेस्ट रिव्यू में मजा आया है ना दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो। थैंक यू।